अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के कदीम तारीखी और मशहूर मुकामात के बारे में बताऊंगा। ये मुकामात पाकिस्तान के बहुत मशहूर और तारीखी मुकामात हैं। दोस्तों, पाकिस्तान जो कि दुनिया भर के ममालिक में एक एटमी ताकत रखने वाला इस्लामी मुल्क है, ये बहुत सी चीज़ों में बाकी ममालक से बहुत आगे है। ये 7,96,096 किलोमीटर के रकबे के साथ जनूबी एशिया के ऐसे हिस्से पर वाकया है जिसे गोल्डन स्पैरो यानी सोने के चिड़िया भी कहा जाता है। यहाँ समुंदर की सतह से 8,611 किलोमीटर की बुलंदी पर वाकया दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ केटू मौजूद है, जिसे दुनिया का सबसे ख़तरनाक पहाड़ होने का एजाज भी हासिल है। पाकिस्तान के सूबा पंजाब में दुनिया की सबसे पुरानी और दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कान मौजूद है, जिसमें तकरीबन 600 मिलियन टन नमक मौजूद है। बस इतना ही नहीं, बल्कि खेड़ा में पाए जाने वाली बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हैं जो दुनिया भर के ममालिक से कहीं ज़्यादा हैं। दुनिया में जहानत के लिहाज से चौथे नंबर पर आने वाले पाकिस्तान के बारे में हम आपको इस वीडियो में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाले फैक्ट्स के बारे में बताएँगे। तो इससे पहले जो नाज़रीन हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो वक्त पर इनके पास पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। दोस्तों, ऐसा कौन सा शख्स है जो कि फुटबॉल खेल से नावाकिफ होगा? आपको ये जानकर हैरत होगी कि पूरी दुनिया में होने वाली तमाम फुटबॉल गेम में पाकिस्तान के बनाए गए हैंडमेड फुटबॉल इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर चाहे इस फुटबॉल से खेलने वाला रोनाल्डो हो या मेस्क, हर कोई पाकिस्तान के बने हुए फुटबॉल का इस्तेमाल करता है। यहां तक कि इस साल होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में भी सब खिलाड़ी पाकिस्तान के बने हुए फुटबॉल से ही खेलेंगे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि खेलों का सामान बनाने में दुनिया में शोहरत रखने वाला या शोहरत पाने वाला मुल्क पाकिस्तान का शहर सियालकोट है, जो कि पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स के सामान को एक्सपोर्ट करता है। इसी तरह पाकिस्तान में हाथ से बनाए गए फुटबॉल दुनिया भर के फुटबॉल गेम्स का हिस्सा बन जाते हैं। पाकिस्तान लार्जेस्ट फुटबॉल एक्सपोर्ट होने के साथ साथ सर्जिकल आलात भी एक्सपोर्ट करने में नंबर वन पर आता है, जो कि सियालकोट और गुजरावाला में तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे ऊंचे, बल खाते, दिलचस्प नज़ारों से भरपूर हाईवे यानी कराकरम हाईवे की। शाहराह कराकरम को दुनिया का आठवां अजूबा भी कहा जाता है। ये दुनिया की तीन सबसे ऊंची मूवमेंट यानी कोहे हिमालया, कोहे कराकरम और कोहे हिंदूकश के बुलंदोबाला पहाड़ों के साथ वाकया है। ये 1300 किलोमीटर दूर शाहराह कराकरम खूबसूरत लैंडस्केप के साथ साथ खतरनाक रास्तों से भी गुजरती है। इस कराकरम हाईवे को बनाने के लिए 20 साल का वक़्त लगा था। इसे बनाने में 200 चाइनीज और 800 पाकिस्तानी शामिल थे और आज ये हाईवे पूरी दुनिया के सियाहों के लिए एक बेहतरीन जगह है। पूरी दुनिया के ममालिक से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के वीडियो में पाकिस्तान के कदीम तारीखी मुकामात। आपको इन मुकामात के बारे में जानकर कैसा लगा? अगर आप इन मुकामात के अलावा किसी और मुकाम के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं एक अगली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।